हे गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो माय स्वीट फैमिली? आशा करती हूँ गाइज अच्छे होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ, थोड़ी सी अच्छी हूँ, ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो, ली थी पानी, चावल और मिर्च पका के, और प्याज और अचार, बट नहीं खाने का मन किया। देख सकते हो अंदर पूरा चावल बचा हुआ है। थोड़ी सी खाई, पता नहीं क्यों तबीयत ठीक सा ही नहीं लग रहा है मेरा कल से, और रोने की वजह से बहुत ज़्यादा सिर में पेन हो रही है, बहुत ज़्यादा, और तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं सोची चलो थोड़ी सी चावल खा लेती हूँ, और भी अच्छा नहीं कर रहा है खाने का, और ताकि मैं खाना बना के दिखाती हूँ आप लोग को। देखिए यहाँ पे बच्चे के लिए बनाई थी आलू की भुजिया, और यहाँ पे गोभी की भुजिया जो उसके दादू के लिए है, और रोटी भी बनाई थी बट नहीं खाने का मन कर रहा है मुझे बिल्कुल भी नहीं कुछ। और एक मैं हरी मिर्च लेकर आई हूँ, सब्जी भी कुछ लेकर आई हूँ, और एक मैं भिंडी लेकर आई हूँ, धनिया पत्ता लेकर आई हूँ, प्लस पालक की साग लेकर आई हूँ। और मैं ऑफिस से आ गई हूँ, और सत्तू वाले भैया आए थे तो उनसे सत्तू भी ली हूँ पिसवा कर, अभी हाफ के जी सत्तू ली हूँ। और मैं ऑफिस से आ गई हूँ बट बच्चे अभी नहीं आए हैं, बच्चे 2 बजे आएंगे, तो मैं सोची मॉर्निंग में मैं 1 कप चाय तक नहीं भी पी हूँ। मतलब कल से, कल मैं मतलब थोड़ा सा बाहर खाना खाई थी ऐसे ही नॉर्मल, जो एक मेला लगा है, हो सके तो मैं जाऊँगी तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी। वो मेला में गई थी तो थोड़ी सी खाना खाई थी, उसके बाद मैं नहीं खाई हूँ, नाइट में भी नहीं कुछ भी खाई, इच्छा ही नहीं कर रहा है मेरा। मॉर्निंग में भी मैं ऐसे गई, चाय तक नहीं पी हूँ 1 कप। अभी सोची थोड़ी सी, क्योंकि मुझे चक्कर सी आ रही थी स्कूटी चलाने में, तो मैं सोची कि चलो थोड़ी सी खा लेती हूँ, बट इच्छा ही नहीं कर रहा है। मेरे साथ यही होता है, जब मैं टेंशन ले लेती हूँ ना तो मुझे खाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है, और नहीं कुछ अच्छा लगता है। तो बस गई यही है। हाँ, कल जो मैं वीडियो डाली थी अपने हस्बैंड के ड्रिंक के ऊपर, उस पर कमेंट आ रहा था। बहुत बार ऐसा कमेंट आता है कि आप, आपकी इतनी छोटी उम्र है, आप शादी क्यों नहीं कर लेते हो। बहुत लोग, देखिए आप लोग का सुझाव, मैं ये नहीं कहती हूँ कि गलत है, मानती हूँ आप लोग को जो समझ में आता है आप लोग कमेंट करते हैं, बोलते हैं, ये मैं नहीं कहूँगी रॉन्ग है, बट जो दुनिया हो गया है ना वो बहुत गलत है। एक कंचन ब्लॉगर है जो शायद पंजाब साइड की है, लैंग्वेज उसका वैसे ही रहता है, पंजाब साइड की है, मुझे भी नहीं पता इतना, मैं ब्लॉग नहीं देखती हूँ उनका। तो वो सेकंड मैरिज की थी, अभी कुछ दिन पहले ही उनके हस्बैंड भी एक्सपायर कर गए थे। एक लड़का था उनके पास, यानी हमारे सौम्या जैसा इतना बड़ा लड़का है। शादी की वो जिस लड़का से, उस लड़के का भी एक लड़की थी पहले से, उसकी वाइफ पता नहीं क्या डिवोर्स वोर्स देकर चली गई थी। तो वो जो लड़का है इतना ड्रिंक करता है, इतना ड्रिंक करता है, और इतनी टेंशन वो लेडीज के अंदर है, इतनी टेंशन में रहती है, तो मुझे देख के लगता है भैया इससे अच्छा तो सिंगल ही लाइफ है। एक बार लाइव में आई थी तो मैं बात भी की थी उससे, मैं बोली थी कि अगर आप सेकेंड मैरिज कर रहे थे तो आपको बहुत जाल पड़ताल से करना चाहिए था, बहुत सोच समझ कर करना चाहिए था। वो भी इतना ड्रिंक करता है कि उससे बहुत ज़्यादा वो परेशान रहती है, उसका सेकेंड हस्बैंड जो है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है और बहुत परेशान रहती है, तो उससे अच्छा तो उसकी लाइफ सिंगल लाइफ अच्छी थी। कुछ दिन क्या होता है ना, नए नए में कुछ दिन क्या होता है कि दिखावा लोग बहुत करता है, बहुत अच्छे से दिखाएगा, बहुत आपसे प्यार करेगा, लाड़ करेगा, बट जो मेरी लाइफ है मेरे तक नहीं है। मेरी लाइफ तो मैं खो दी उसी दिन जिस दिन मेरे हस्बैंड के साथ हुआ, उसी दिन खो दी, बट मैं क्यों जीती हूँ, मेरा दिल का दर्द है। दुनिया तो कुछ भी कहने वाला कहता है, मैं दुनिया की सोच से नहीं चल रही, मैं अपना लाइफ, मेरी दिल की दर्द जो भी है वो मैं जानती हूँ, दुनिया की सोच से मुझे नहीं चलना है। तो मैं जो जिंदा हूँ आज धरती पे हूँ, अपने दोनों बच्चे के लिए हूँ, है ना, तो वो चीज़ मैं नहीं कर सकती हूँ।
मेरे बच्चे को कष्ट हो और मैं खुश हूँ, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है कि अपने फादर वाला प्यार दूसरे को बच्चे को दे सकता है। देखो मैं भी नहीं दे सकती हूँ, अगर किसी का बच्चा हो और उसकी मदर नहीं हो तो मैं उसे थोड़ी ना अपने उसकी माँ की कमी पूरा कर दूंगी, कभी नहीं। हाँ हो सकता है लाड प्यार कोई भी करेगा, बट जो एक माँ का दर्द होता है, एक अपने पापा का दर्द होता है, वो कोई नहीं निभा सकता है, सब दिखावा करता है। तो बस मुझे अपने, बस आप लोग ये दुआ करिए मेरी सौम्या सॉरी, उनकी लंबी उम्र हो और बहुत पढ़े लिखे एक इस लायक बन जाएं कि जो उसकी माँ ठोकर खा रही है, हमारे बच्चे ठोकर नहीं खाएं। मैं तो यही चाहती हूँ कि जो मैं ठोकर खा रही हूँ, मुझे भी पढ़ने का सुविधा बहुत मिला, जितना मेरे पापा को मतलब बनता था उतना करते थे, बट मैं पढ़ने में मन नहीं लगाई, तो आज एक सिंपल सा जॉब कर रही हूँ जिससे 2 वक्त की मतलब रोटी खिला सकती हूँ बच्चे को, बस यही कर रही हूँ। अगर मैं, मुझे भी अब फील होता है कि मैं भी अगर अच्छे खासे पढ़ी लिखी रहती तो आज शायद, चलो हस्बैंड का तो दुख जो हुआ सो हुआ, बट अच्छे जॉब करती, अच्छे तरीके से शायद अपने बच्चे को और ज़्यादा अच्छे तरीके से पालन पोषण करती। तो बस आप लोग इतना प्यार दुलार देना, इतना प्यार दुलार देना कि मेरे दोनों बच्चे मतलब उनके लाइफ में कष्ट नहीं आए, मैं झेलने के लिए तैयार हूँ अपनी जिंदगी में कष्ट, बट बच्चे की कष्ट ना आए जिंदगी में, मैं यही चाहती हूँ। आप लोग भी भगवान से यही प्रेयर करना, क्योंकि भगवान मेरा नहीं सुनते हैं, तो आप लोग जरूर प्रेयर करना कि मेरे बच्चे इस लायक बने कि ये लोग देखकर बोले कि एक सिंगल मदर होकर कुछ बनाई अपने बच्चे को। मेरा सोच तो यही है, मैं अपने बच्चे को भी यही समझाती हूँ, बट बाकी और मैं अपने किस्मत पे ज़्यादा प्राउड फील नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा किस्मत इस लायक नहीं है कि मैं कुछ ज़्यादा अच्छा सोचूँ या मेरे लाइफ में कुछ ज़्यादा अच्छा हो। तो मैं बुरा नहीं मानती आप लोगों का कमेंट का, आपको लगा आप अच्छा सुझाव दिए, आज भगवान ने सोचा कि इतनी छोटी लाइफ में कितना बड़ा दुख दे रहा हूँ, तो हो सकता है कि सेकंड मैरिज करने से इंसान नहीं खुश रहेगा, जब जिसकी लाइफ में अगर खुशी नहीं रहती है ना, तो वो कुछ भी कर लेगा तो उसकी लाइफ में खुशी नहीं आएगी। तो बस यही प्रेयर करती हूँ, आप लोग अपना प्यार और दुलार बनाए रखिए, और मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, मैं बस धाड़स करके आप लोग से बात कर रही हूँ, मेरी ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, और मेरा आईज और सिर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, अभी मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ। तो चलिए यहीं पे, आई होप आपको कमेंट का जवाब मिल गया होगा कि मैं दूसरी शादी क्यों नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि इतना सोशल मीडिया पे देखी हूँ ना लाइफ, कैसे कैसे लोगों ने स्टार्टिंग करता है और कैसे उसका लाइफ बर्बाद कर देता है, तो नहीं करूँगी ऐसा, हिम्मत नहीं होता है मेरे अंदर। और बाकी सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं, बट कुछ लोग होते हैं कि स्टार्टिंग में कुछ होते हैं और बाद में कुछ और बन जाते हैं। तो बस दुआ करना आप लोग मेरे सौम्या सौरे के लिए, मेरे सौम्या सौरे को कुछ ना हो।